तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। तो आज आप सबका स्वागत है निकल मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं तो नहा चुकी हूँ, ये लड़की तो ऐसी है। और मैं सुबह से खुद ने स्टार्ट नहीं किया और आ गई है चिल्ला चिक्कम चिल्ला रहे। और बेटा तेरा पंखा कैसे बंद कर दिया गया, इसके लिए भी चालू किया। और ये देखो तेरे पंखा बंद किया, ये बच्चा जाग गया। सोजा अभी रात ही है, सोजा सुबह हो गई ना ऐसे। नहीं नहीं, तेल हमेशा रात ही है। इसके लिए ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं तेल लगाने में बिजी थी। मैंने पूरा सिर पे तेल लगा लिया है। क्यों दिखाऊं, निकल हट। मम्मी आ गई, नाश्ता ना। मम्मी कुछ बोलना चाहोगे? हो चुकी है दोपहर और सच में धूप बड़ी कड़कदार है। और ये लड़की जा रही है बाहर झाड़ू लगाने। मैंने इसको आटे की थैली दे दी कि इसमें सारा भर देना। और बाहर धूप देखो, कचरा देखो, धूप बहुत ईटू। तो मैं बाहर व्लॉग बना रही थी, मैंने अंदर देखा हिटलर ने सारा मेरा कोकोनट का तेल ही गिरा दिया है बेडशीट पर। वो पागल खाने लगा है। तो अभी उन्होंने इसको बांधा है कि वो ऊपर ना चढ़ पाए। ये रहा, क्योंकि मुझे किचन में थोड़ा काम है, फिर ये किचन में भटकते हैं ना, मुझसे काम नहीं होता। और ये लड़की दिखाती हूँ मैं, ये रही बाहर से झाड़ू लगा रही है। बहुत मिट्टी है और बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत ज्यादा। अरे मेरी डस्ट आ रही है अंदर, प्लीज क्लोज दिस कर्टन्स। तो कैसी लगी मेरी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भैया को आज जाना था ट्रेनिंग के लिए, तो भैया अपना मेन इम्पोर्टेंट कागज यहीं पे भूल गए हैं। अभी भैया का फोन आया तो भैया आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं। कितने ये बुद्धू होते हैं लड़के। आपके भाई बहन ऐसे हैं तो मुझे कमेंट करके बताएं। और मैं बाहर झाड़ू लगा रही थी और ये देखो शर्ट पे कैसे पीले पीले वो जीवराते होते जो गर्मियों में आते हैं, वो चिपक चुके हैं। एक तो वो परेशान करे और मुझे अभी वापस अंदर आना पड़ा। और ये लड़की किसी काम की है नहीं, इसको कोई पेपर का नहीं पता होता है, इसको सिर्फ ये खाना खाना खाना। तो मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ, भैया अपना पेपर लेके नहीं गए। फिर भैया ने बोला मुझे ना वो फोटो ही भेज दो, तो फोटो भेज दी भैया को, वो ठीक चला गया। तो इसलिए भैया को वापस से किसी की आवाई का ही इस लड़के को लगता है हमारे घर को है। वैसे कभी गार्डनिंग नहीं करेगा, पर फालतू की गार्डनिंग होगी तो ये बच्चा नंबर वन है। मम्मी देख रही टीवी और आज ठंडे पानी से नहा के आ गया, मजा। गर्मी आ गई पहले लगा ठंडा है पर बाद में बहुत मजा आया। अभी कुछ फील नहीं हो रहा कि ठंडी है क्योंकि बाहर धूप बहुत ज्यादा है। तो बाल बाल बनाने और मैं सोच रही हूँ पीटर लोगों की वीडियो बनानी है थोड़ी, तो वो बना लेते हैं। मैंने बाल बाल बना लिया और ये लड़की इतना झूठ बोल रही है। मैंने कहा तुझे चाय बना के रखी होगी, तो बोली चाय बनाई है। मैंने इसको पहले बोला कि दूध उबल रहा है, तो ये झूठ बोलने में बहुत माहिर है। कैसे कह, मुंह लगना ही बेकार है। सिर्फ मैंने चाय बिस्किट में बोला मेरे को निपटा दे, इससे वो भी नहीं बनाएगी अभी तक। क्या कर रही थी? डांस डांस डांस। ऐसे बेशर्म लोग कहीं भी मिल सकते हैं, सावधान रहे, सतर्क रहे। दूध उबाल दिया है, चाय को देख रही हूँ और ये लड़की यहाँ पे नहा रही है पूरी अच्छी तरह से। ये बोल रही है यहाँ से नहा लूँ फिर अच्छा रहेगा, ठीक है। मैंने कहा नहा ले। तो ये दोनों मेरे को देख रहे हैं। और एक फोन का यही प्रॉब्लम है, इसमें तो बैटरी नहीं है, इसको चार्ज भी लगाना है, व्लॉग भी बनाना है, बहुत डिफिकल्ट है। पर आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, तो आप भी हमारी थोड़ी सी मनोबल बढ़ाइए, हमें मोटिवेट करिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ज्यादा भूख लगी है, इस लड़की ने गोभी भी बनाई है, ये रही। मेरी ये खाने की इच्छा भी है पर मैंने कहा नहीं, चल रहने दो, बाद में सबके साथ खाएंगे। भैया अभी तक नहीं आया है, 2 बज चुके हैं, तो मम्मी थोड़ा रेस्ट कर रही है, सुबह मम्मी जल्दी उठ जाती है। दोपहर के बज चुके हैं 4:30 और अभी जस्ट खाना वगैरह खाया है, तो मेरा सिर वगैरह दुख रहा था तो इसलिए मैं रेस्ट करने चली गई थी। और दीदी भी मेरे साथ आलसी सो गई, तो अभी वो लोग थोड़ा बाहर गए हैं काम से। तो मैं सोच रही हूँ जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़े पड़े हैं ना, जो हमने एक एक मतलब कितनी बार पहन चुके हैं रील्स के लिए, वो सारे कपड़े धो देती हूँ जो मैंने कल परसों शायद लपेट के रखे हैं, बहुत गंदे हो चुके हैं, तो उनको धो के मैं डाल आती हूँ। वैसे मम्मी भी सरप्राइज हो जाएगी, तो चलो ये काम कर लेते हैं, फ्री हूँ मैं अभी। और ये दोनों तो सो चुके हैं, एकदम थक चुके हैं, इनको थका दिया था। तो ये हैं वो जो कपड़े मुझे सारे धोने हैं, तो इसमें मुझे मैक्सिमम 40 या 50 मिनट्स लगने वाले हैं। तो अभी काम करने के बाद ही मैं आपको मिलूंगी। चुके हैं शाम के 6:30, मुझे पूरे 2 घंटे लग गए सिर्फ कपड़े धोने में। अभी सिर्फ किचन का काम बाकी है, झाड़ू मैंने जस्ट अभी लगाया है। यही सल्यूट है मम्मियों को, जो हमारी बड़ी दीदी है उनको, कि वो इतना काम कर लेते हैं, वो किचन वगैरह सब करते हैं। मैं तो आज फर्स्ट डे नहीं किया, तो मेरी तो हालत भी खराब हो गई, मेरे को बाल बनाने का टाइम नहीं मिला, मैंने मुंह तक नहीं धोया है। चलो कोई नहीं, पर कभी कभी काम करना चाहिए कि आपकी बहन मम्मी दोनों खुश हो जाए। तो जस्ट अभी मैंने शाम की पूजा कर दी है, तो मैंने बाल नहीं बनाए क्योंकि संध्या का टाइम हो चुका है।
दोनों बच्चे जाग चुके हैं, दोनों का भी ध्यान देना है। मम्मी दीदी शायद आते होंगे 15-20 मिनट में। तो फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ, बज चुके हैं रात के 9 और मेरा टेढ़ा जुड़ा देख के लगा ही सकते होंगे मैं कितनी थक गई हूँ। और आप सबको तो पता है हम क्या करते हैं, मैं थोड़ी सी वीडियो में क्लिप डाल दूंगी। भैया बोल रहे हैं हम घर पर फिक्स थाली मंगा लेंगे। नहीं नहीं नहीं, हम बाहर खा के आएंगे। भले हम एक चीज महंगी क्यों ना खा कर जाएंगे, तो बाहर तो अभी मैंने अब तक कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं। सही है, अरे सही है, टीम है मम्मी, हमारी टीम है। भैया को लेकर जाना ही पड़ेगा, तो बोलो हाँ या ना ऑन कैमरा। हाँ ये फाइनली भैया जाने के लिए मान गए। तो बाहर खाएंगे, मजा आएगा, पागल खाएंगे थोड़ा सा ही, पर बाहर का हो जाएगा, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी। इतना भी नहीं खाने वाले पागल, थोड़ा सा 100-200 जितनी पार्टी कितनी होती है, पार्टी पार्टी। और आपको पता लग ही जाएगा पार्टी किस किसके रिलेटिव है। वो तो बोलता है ना, भैया की जॉब लगी आज ट्रेनिंग में, भैया फर्स्ट आए तो अच्छा है। मम्मी अच्छा लगा ना? बहुत बढ़िया, जाके एंजॉय, छोटी छोटी खुशियों में खुशियां मिलती है। छोटी खुशियां जब एंजॉय करोगे तभी तो बड़ी खुशी मिलेगी है ना मम्मी। तो चलो फटाफट लेट करते बिना, टाइम हो चुका है, लॉकडाउन ना लग जाए। तो पहले तो हम घर निकलते टाइम ही थोड़ा सा लेट हो गए, लॉकडाउन का टाइम लग चुका था। हमारे नज़दीक में जो ढाबा था वो भी बंद करने वाले थे, पर फिर हमने जल्दी से जो 100-200 की चीज़ मिली फटाफट से खा के निकल गए घर को। अभी जस्ट आए हैं हम लोग, थोड़ा बाहर खाना खाने गए थे। ये लड़की ने अभी जस्ट कपड़े चेंज किए, कब से कपड़ों में पैक थी। और ये तो जा रही है सोनी मेरी एडिट, सोने मेरी तो एडिटिंग बाकी है, तो मैं अभी करने जा रही हूँ एडिटिंग। और चालू नहीं किया तो मेरा भी सामान बाकी है। बज चुके हैं रात के 11:30, तो मुझे अपने आप ही 1:30-2 बज जाएगा। सोने के अपनी मुँह दूंगी, पहले अपनी फेस केयर करेगी फिर सोएगी आराम से, क्रीम वगैरह लगा के। तो मेरे को भी सोना है, थक तो चुके हैं। खाना खाया थोड़ा ही खाया, लिमिट से इतना नहीं खाया ज्यादा, फिर खाने की भूख भी नहीं थी। थोड़ा 100-200 का कुछ खा। आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया तो मैं अभी नहीं, मैं बाद में एंड करूंगी, पर अभी भी थोड़ा एंड कर लेती हूँ। आज का ब्लॉग अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।